को मैं 26 जनवरी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 26 जनवरी जो कि हम सभी इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा विषय है कि इस बालिका इंटरनेट आयोग के माध्यम से हम सभी को यहाँ पे एकत्रित होकर इस पावन पर्व को बहुत बहुत शोरशोर से मनाने का मौका मिला है। दोस्तों हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 26 जनवरी जो कि आज के दिन हमारे देश में एक नया कानून, एक हमारा अपना नया संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में खुद का कानून, नया संविधान लागू हुआ। इससे पहले हमारा देश कई वर्षों से अंग्रेजों के अधीन था। हमारे देश का पूरा शासन सत्ता अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन हमारे देश के वीर सपूतों ने, कई जन नायक ने मिलकर यह बीड़ा उठाया और धर्म, जाति, मजहब में न बढ़कर हर वर्ग के लोगों के लिए, हर समाज के लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिससे हमारे देश को आज़ादी मिली और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी खुद की। वाह भाई, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है दमदारी भैया। और उसके बाद में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा और उसके बाद में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू किया गया, जिसको हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान, हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार देना, ये हमारे संविधान की बहुत ही खूबसूरत विशेषता है। लेकिन मित्रों, आज बड़े दुख की बात है कि धर्म और इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि हर लोग, सभी लोगों ने अपना एक एक रंग भी चुन लिया है। कोई बोलता हमारा भगवा है, कोई बोलता हमारा हरा रंग है, कोई बोलता हमारा नीला रंग है। अरे मेरा प्रश्न ये है सबसे कि तिरंगा किसका है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम सभी जिस प्रकार से हमारा देश जब गुलाम था तो कोई भी किसी के साथ में कोई बंटवारा ना करते हुए सभी ने एकता की लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ादी मिली। मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ कि मेरा देश महान बोलते हैं, लेकिन ये तब तक साकार नहीं होगा जब तक हम सभी जाति और धर्म को भुला के एकजुट होकर अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने देश के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक यह साकार नहीं होगा। तत्परिवर्तनम भवा, मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस परिवर्तन की परिकल्पना आप सभी करते हैं, पहले वह परिवर्तन खुद में बन के दिखाइए। आप भले तो जग भला, तो निश्चित तौर पे यह बदलाव आएगा। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि आज का नौजवान, कोई भी हो, चाहे युवा हो, युवती कोई भी हो, अगर उसके साथ 30 मिनट बात किया जाए तो 29 मिनट तक वह समाज की हर समस्याओं को गिनाएगा कि समाज में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तमाम प्रकार की समस्याओं को गिनाएगा। लेकिन अगर उसे इस समस्या का निजात हम दिया जाए कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो वो तुरंत चुप हो जाता है। यह बहुत दुख की बात है। हमारा नौजवान अपने रास्ते से भटक के कहीं अलग ही लिप्त है। तो मैं यहाँ पे उपस्थित आप सभी बंधुओं से बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। और यहाँ पे सभी बच्चों के लिए भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बड़ों का आदर करें, सभी का सम्मान करें, संस्कारी बने, एक अच्छे आज्ञाकारी शिष्य बने, एक अच्छे पुत्र बने, एक अच्छा मित्र बने, और निश्चित तौर पे फिर हमारे समाज में बदलाव आएगा और हमारे देश का विकास होगा। ना तुम्हारा ना हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।